हेलो एवरीवन, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। यहाँ पर हम क्लास 11th की इंग्लिश की स्नैपशॉट्स बुक का सिलेबस कवर कर रहे हैं एंड द चैप्टर दैट वील टू ट्रे इज चैप्टर 2 द एड्रेस रिटन बाय मागा मिनको। बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर आई डिस्कस द टाइटल द एड्रेस। यहाँ पर एक पर्टिकुलर एड्रेस की बात हो रही है जो हमारी राइटर है उनकी मदर ने उनको एक एड्रेस बताया था। किसी लेडी का एड्रेस था जो उनके जानने वाली थी और जिसको वो अपना सामान दे रहे थे। एक्चुअली ये कहानी है हॉलैंड में रहने वालों की। हॉलैंड में एक वॉर हुई थी, इट वॉज काइंड ऑफ अ वॉर फॉर फ्रीडम। तो कई लोगों के अगेंस्ट ये वॉर हुई थी। तो हमारी राइटर की जो फैमिली है उनको भी अपना घर छोड़ के जाना पड़ सकता था, जिसकी वजह से ये जो एक्वेंटेंस थी इसने राइटर की मदर को सजेस्ट किया कि वो अपना सारा सामान उसको दे दे ताकि वो उसे सेफली अपने घर पर रख सके। और इसीलिए राइटर की मदर ने अपनी डॉटर को, यानी कि हमारी स्टोरी की ऑथर को, ये एड्रेस बताया उस एक्वेंटेंस का, उस लेडी का जो उनका सामान लेकर जा रही थी, ताकि कल को जब उनका सामान वापस लाना हो तो उनकी बेटी उस एड्रेस पर जाकर अपना सामान वापस ला सके। तो तभी राइटर ने स्टोरी का नाम दी एड्रेस रखा है, बिकॉज ये जो एड्रेस है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आइए लेट अस बिगिन विद द चैप्टर, वील रीड इट, वील डिस्कस इट, आई डिस्कस द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्ट। तो अब यहाँ पर सीन क्या है, हमारी ऑथर या राइटर है जो आई, वो किसी के घर जाती है। तो जैसे ही वो घर के दरवाजे पर नॉक करती है, वो सामने वाली लेडी से पूछती है कि क्या तुम मुझे जानती हो। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। नो, आई डोंट नो यू, आई एम मिसेज एस डॉटर। सर्चिंगली मीन्स जब हम इंक्विजिटिव होते हैं, हम कुछ जानना चाहते हैं, यानी कि हम जब किसी को ऐसी फीलिंग देते हैं कि हम उसे पहचान नहीं पा रहे। तो जब ऑथर ने उनसे पूछा कि क्या तुम मुझे जानती हो, तो वो वुमन उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि वो उसे पहचान नहीं पा रही। चिंक का मतलब है अ नैरो ओपनिंग। तो उस लेडी ने घर का दरवाजा थोड़ा सा ही खोला, जस्ट अ चिंक, यानी कि थोड़ा सा दरवाजा खोला और वो बाहर पीप कर रही थी। तो राइटर उसके और पास चली गई और जो घर का स्टेप था, जो एक सीढ़ी थी, उसका जाकर खड़ी हो गई। तो उस लेडी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो राइटर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि मैं मिसेज एस की बेटी हूं। She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. अब जब इस लेडी ने ये सुना भी कि ये जो लड़की उनको विजिट कर रही है, ये मिसेज एस की डॉटर है, उसके रिएक्शन में कोई चेंज नहीं था। उसने कस के दरवाजे को पकड़ा हुआ था ताकि दरवाजा और खुल ना पाए। Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. तो अब ये लेडी कैसे रिएक्ट कर रही है, ये उन्हें रेकग्नाइज ही नहीं कर रही। जब उन्होंने कहा कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूं, तब भी उन्होंने रेकग्नाइज नहीं किया, जबकि मिसेस एस तो उनकी फ्रेंड है। फिर भी वो उसको घूर रही थी, चुप थी, और वो उसे रेकग्नाइज ही नहीं कर रही थी, उसे घर में नहीं आने दे रही थी। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इट इजंट हर। अब जब उस लेडी ने ऐसे रिएक्ट किया तो राइटर ने सोचा कि शायद मुझे गलती लग गई है, हो सकता है कि ये वो लेडी नहीं है जो मेरी मदर की फ्रेंड थी, जिसने हमारा सारा सामान ले लिया था। लेकिन इस लेडी के रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये गिल्टी है। इससे राइटर की मदर का सारा सामान ले लिया और अब ये उनका सामान वापस नहीं करना चाहती, ये उनका सामान यूज कर रही है, इसीलिए नहीं चाहती कि ये लड़की उनके घर में आए। फिर राइटर कहती है, आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स अगो। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। फ्लीटिंगली मीन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए।
तो अब नरेटर इस लेडी को गलत नहीं समझ रही, तो उसे ये लगता है कि हो सकता है वो किसी गलत घर पर आ गई है। उसने इस लेडी को सिर्फ एक बार देखा था, वो भी बहुत साल पहले देखा था, और वो भी बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए देखा था। तो वो सोचती है कि हो सकता है मैंने गलत घर की बेल रिंग कर दी है, मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। अब वो क्या कहती है, अचानक से वो लेडी साइड पर हो गई, उसने दरवाजा खोल दिया और उसने राइटर की मदर का ग्रीन कलर का निटेड कार्डिगन पहना हुआ था। कार्डिगन वी ऑल नो एक वूल से बना हुआ स्वेटर होता है जिसके आगे में फ्रंट ओपन में बटन्स लगे होते हैं। तो कहती है कि उनके जो कार्डिगन के बटन्स थे वो भी धो धोकर पेल हो गए थे, उनका कलर फेड हो चुका था। तो फटाफट से राइटर ने पहचान लिया कि ये वही लेडी है जो उसकी मदर को जानती थी, जो उनका सामान लेके गई थी, क्योंकि उसने उनकी मदर का ही निटेड कार्डिगन पहना हुआ था। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट दी कार्डिगन एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। अब जैसे ही उस लेडी ने देखा कि नरेटर उस कार्डिगन को देख रही है, तो वो एक बार फिर से दरवाजे के पीछे छुप गई। लेकिन अब नरेटर को ये पता था कि वो सही एड्रेस पर आई है, यही वो लेडी है जो उसकी मदर को जानती थी, क्योंकि उसी ने तभी वो उसकी मदर का कार्डिगन पहन पाएगी। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्ट, हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। अब राइटर उन्हें कहती है कि आप मेरी मदर को जानते थे ना, तो वो कहती है कि क्या तुम लोग वापस आ गए, और वो वुमन कहती है कि मैंने तो सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आया। तो वो वुमन की बात से ही हमें पता लग रहा है कि उसने तो यही सोच लिया था कि कभी भी अब वो लोग वापस नहीं आएंगे और उसे उनका सामान वापस नहीं देना पड़ेगा, इसलिए वो उनका सामान मजे से यूज कर रही थी। इसलिए वो हैरान है और कहती है कि क्या तुम लोग वापस आ गए, मुझे तो पता ही नहीं था और मैंने तो सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आएगा। ओनली मी, तो राइटर कहती है कि सिर्फ मैं वापस आई हूँ। अ डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड। मस्टी इज डैम्प एंड स्टेल, जो सीलन की स्मेल होती है, ऐसी स्मेल। तो उस लेडी के पीछे उसके घर में एक दरवाजा खुला और बंद हो गया, और जैसे ही वो खुला और बंद हुआ तो वहां से एक डैम्पनेस की स्मेल इमर्ज हुई, यानी कि निकली, बाहर निकली। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। अब वो लेडी उसे कहती है कि मुझे बहुत दुख है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तो राइटर कहती है कि मैं स्पेशली आपसे मिलने के लिए ट्रेन पर बैठकर यहां पर आई हूं, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। तो अब वो लेडी उसे कहती है कि अभी तुमसे मिलना मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, यानी कि कंफर्टेबल नहीं है, हो सकता है मैं वो बिजी है, कुछ काम कर रही है, इसलिए वो उसे मना कर देती है और कहती है कि अभी मैं तुमसे नहीं मिल सकती, किसी और टाइम आना, किसी और दिन आना। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इन साइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। इतना बोल के उस लेडी ने अपना सिर हिलाया और बहुत ही ध्यान से घर का दरवाजा बंद कर दिया। तो राइटर कहती है ऐसे लग रहा था कि वो ये नहीं चाहती कि घर के अंदर जो लोग हैं वो डिस्टर्ब हो या उन्हें पता चले कि बाहर कोई आया है। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। अब राइटर इसी स्टेप के ऊपर, घर के बाहर जो स्टेप था उस पर खड़ी हुई थी, और उसने क्या देखा कि बाहर जो बे विंडो थी उसके ऊपर जो कर्टन था अंदर से, वो कर्टन हिला, यानी कि वो लेडी कर्टन से बाहर झांक रही थी और उन्हें देख रही थी। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। ओह नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग। तो राइटर कहती है कि हो सकता है कोई विंडो से मुझे देख रहा था और उसने उस लेडी से पूछा कि मैं क्या चाहती हूं, तो उसने जवाब दिया होगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं,
ये कुछ भी नहीं चाहती थी, कोई बात नहीं थी। तो इससे ये पता लग रहा है कि वो लेडी नहीं चाहती कि उसके घर में भी किसी को पता चले कि ये लड़की मिसेज एस की डॉटर उसके घर आई है, क्योंकि घर में किसी को नहीं पता होगा कि वो सब सामान किसी और का है, वो किसी और के घर से ऐसे लेकर आई है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, डॉलिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनामल एंड ऑन द जैम्प अ बिट हायर द नंबर नंबर 46। एनामल क्या होता है? एनामल इज अ ग्लॉसी सब्सटेंस अप्लाइड ऑन वुड और मेटल एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। वुड या मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक ग्लॉसी सा सब्सटेंस लगाया जाता है थ्रू अ केमिकल प्रोसेस एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एनामल। तो बाहर आते हुए राइटर ने एक बार फिर से घर के नेम प्लेट को देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ था डॉलिंग, डॉलिंग जो उनका फैमिली नेम था, और जैम्ब मीन्स द साइड पोस्ट। तो इस व्हाइट एनामल की तख्ती के ऊपर जो साइड पोस्ट लगा हुआ था उस पे हाउस नंबर लिखा हुआ था नंबर 46, और यही वो एड्रेस था जो मिसेज एस ने अपनी डॉटर को बहुत साल पहले बताया था। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. It had been in the first half of the war. तो जब वॉर शुरू हुई थी, फर्स्ट हाफ था वॉर का, तब मिसेज एस ने अपनी बेटी को ये एड्रेस बताया था और उन्होंने कहा था कि इस एड्रेस को याद रखना, क्योंकि उसी एड्रेस से उनको जानने वाली लेडी मिसेस डॉलिंग उनके घर आया करती थी और उनको डरा डरा के, उनको बोल के कि आपको एक दिन घर छोड़ के जाना पड़ेगा, उसने उनका सारा सामान उनसे ले लिया, ये कह के कि मैं आपका सामान संभाल के रखूंगी, जब आप वापस आएंगे मैं आपको दे दूंगी। लेकिन वो कर क्या रही थी? उसने सोचा था कि ये लोग कभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए वो उनका सामान यूज कर रही थी। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I missed various things. My mother was surprised I should have noticed so quickly. तो अब राइटर हमें फ्लैशबैक की कहानी बता रही है। जब वॉर शुरू हुई ही थी तो वो कहती है कि मैं थोड़े दिनों के लिए घर आई थी, तभी मुझे लगा कि कमरों में कुछ बदलाव है, बहुत सारी चीजें मिसिंग थी। और वो कहती है कि मेरी मदर भी बहुत हैरान थी ये देखकर कि मैंने इतनी जल्दी नोटिस कर लिया कि चीजें मिसिंग हैं। Then she told me about Mrs. Darling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years. Apparently means something which is obvious, and acquaintance is a person known to oneself, जिसे आप बहुत देर से जानते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी जान पहचान है, वो एक्वेंटेंस होता है। तो जब राइटर ने नोटिस किया कि बहुत सारा सामान मिसिंग है और उसने अपनी मदर से पूछा, तो उसकी मदर ने उसे मिसेस डॉलिंग के बारे में बताया। वो कहती है कि इससे पहले उन्होंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन हो सकता है वो उसकी मदर की कोई बहुत पुरानी जानने वाली थी जिसे वो बहुत सालों से मिले नहीं थे। शी हैड सडनली टर्नड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्ट्रैक्ट Since then she had come regularly. तो अचानक से मिसेस डॉलिंग मिसेस एस को मिलने लग गई और दोनों में जो कॉन्टैक्ट है वो एक बार फिर से रिन्यू हो गया, यानी कि बहुत देर पहले वो एक दूसरे को जानते थे, बहुत सालों से मिले नहीं थे, लेकिन फिर से वो एक दूसरे को मिलने लग गए। और फिर उस दिन के बाद से मिसेस डॉलिंग उनके घर रेगुलरली आया करती थी। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. तो राइटर को उनकी मदर ने बताया था कि जब भी मिसेस डॉलिंग आती है वापस जाते वक्त, वो कुछ ना कुछ अपने साथ ले जाती है। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वाजेस एंड आई एम वरिड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। एंटिक मीन्स अ कलेक्टेबल पीस ऑफ आर्ट हैविंग अ हाई वैल्यू। ऐसी ओल्ड चीजें होती हैं जो बहुत ही मास्टर पीसेस होती हैं, जिनकी बहुत हाई वैल्यू होती है, उन्हें एंटीक कहा जाता है। लगिंग मीन्स टू कैरी समथिंग, एंड क्रिक इन हर बैक मीन्स शी हैड सडन पेन और स्टिफनेस इन द बैक ड्यू टू अ क्रैम्प और स्पैजम और ड्यू टू लिफ्टिंग समथिंग हैवी। तो मिसेज एस राइटर को बताती हैं कि वो घर का जो सारा टेबल पे यूज होने वाला सिल्वर वेयर है, जैसे कि स्पून्स, कटलरी, प्लेट्स, वो सब एक ही बार में वो ले गई, और उसके बाद
जो दीवार पर एंटिक प्लेट्स हैंग हो रही थी जो उन्होंने डेकोरेशन के लिए यूज की थी वो भी ले गई। और फिर वो कहती है कि जब वो बड़े बड़े वाजेज उठाकर लेके जा रही थी, उन्हें उठाने में कैरी करने में उसे बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी थे, और जब वो क्रॉकरी उठाकर लेकर गई तब तो उसकी पीठ में क्रिक की आवाज भी आ गई थी क्योंकि इतना ज्यादा हैवी बॉक्स था जिसे वो उठाकर ले जा रही थी। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, पिटिंगली मीन्स सिंपथेटिकली। तो उसकी मदर को मिसेस डॉलिंग के साथ सिंपथी है कि बेचारी को इतना भारी भारी सामान उठाकर ले जाना पड़ रहा था और वो लेडी उनकी मदद कर रही थी, उनके सामान को बचा रही थी कि अगर उन्हें घर छोड़कर भागना पड़ा तो उनका सामान उसके पास सुरक्षित है। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, शी इवन इंसिस्टेड शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, इफ यू हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग शी सेज। तो अब राइटर की मदर उन्हें कहती है कि वो लेडी बहुत अच्छी है, मैंने तो कभी भी इतनी हिम्मत नहीं करनी थी कि मैं उनसे मदद मांगती, लेकिन उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया, बल्कि उन्होंने इंसिस्ट किया यानी कि जोर डाला कि मैं आपका सारा सामान बचाना चाहती हूँ, अगर अचानक से आपको घर बंद करके जाना पड़ा, घर छोड़ के जाना पड़ा तो आपका सारा सामान पीछे यहीं पर रह जाएगा, तो मैं नहीं चाहती कि आपका सारा सामान कोई लूट कर ले जाए, इसलिए मेरा सारा सामान, उसकी मदर कहती है मेरा सारा सामान बचाने के लिए वो मेरी मदद कर रही है, उसने मेरा सारा सामान अपने घर में सुरक्षित रखा है। हैव यू अग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड। तो अब उनकी डॉटर ने अपनी मदर से पूछा कि क्या आपने उसके साथ एग्री किया है कि वो सारा सामान संभाल कर रखेगी। एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, तो उनकी मदर चिल्ला कर उनको कहती है कि ये जरूरी ही नहीं है, बेचारी इतनी अच्छी लेडी है, इतनी मेरी मदद कर रही है, इतना भारी भारी सामान उठाकर लेकर जाती है, क्या मैं उससे ये पूछूंगी कि वो मेरा सामान सेफली रखेगी कि नहीं। तो उसकी मदर को अपनी डॉटर पर गुस्सा आ रहा है कि वो ऐसे पूछ रही है। फिर वो कहती है इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आर डोर विद अ फुल सूट केस और बैग। तो उनकी मदर कहती है कि अगर मैं उनसे ऐसा पूछूंगी तो उनकी बेइज्जती करूंगी, बेचारी इतना रिस्क ले रही है, इतनी डिफिकल्टी से इतने भारी भारी बैग्स और सूट केसेस उठाकर मेरे घर से अपने घर तक लेकर जाती है मेरी मदद करने के लिए, और क्या मैं उसको ये पूछूंगी, उसकी बेइज्जती करूंगी ऐसा पूछ के कि वो मेरा सामान संभाल के रखेगी कि नहीं। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, शी लुकड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। टू बी कन्विंस्ड मीन्स टू एक्सेप्ट समवंस बिलीफ, किसी की बात या किसी के विचार को एक्सेप्ट करना मीन्स कन्विंस होना, एंड रिप्रूविंगली मीन्स टू स्कोल्ड समवन एंड टू डिसअप्रूव ऑफ व्हाट ही इज सेइंग। जब नरेटर की मदर ने देखा कि नरेटर उनकी बातों से कन्विंस्ड नहीं है, उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो उन्होंने उन्हें घूर कर देखा जैसे कि डांटने के वे से देखा, और उसके बाद दोनों ने आपस में इस टॉपिक पर बात नहीं की। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेज अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। तो अब राइटर एक बार वापस फिर से स्टेशन पर पहुंच गई थी और सारे रास्ते वो ये सब बातें सोच रही थी, इन्होंने इसलिए उन्होंने रास्ते में जो भी चीजें आई, जगहें आई, उनको नहीं देखा। तो वो कहती है कि वो फेमिलियर जगहों पर घूम रही थी, फेमिलियर मीन्स जानी पहचानी, वॉर के बाद अब वो पहली बार वहां पर वापस आई थी, लेकिन वो कहती है कि जितना मेरा काम था मैं बस उतना ही करना चाहती थी, उससे ज्यादा कोई पुरानी फेमिलियर जगहों पर नहीं जाना चाहती थी। I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. Precious ऐसी चीज होती है जो आपके दिल के बहुत करीब होती है, जिसे आप बहुत ज्यादा चाहते हैं। तो कहती है कि अगर मैं वही पुरानी गलियों में, वही पुराने घरों को देख, जहां पर बहुत प्यारी, बहुत ही precious और कीमती यादें थी उनके पुराने टाइम्स की, तो उससे वो दुखी होती, वो उस पुराने टाइम को याद करके दुखी होती, इसलिए वो उन सब जगहों पर नहीं जाना चाहती थी, उन्हें नहीं देखना चाहती थी।
In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. तो ट्रेन में एक बार फिर से उन्होंने मिसेस डॉलिंग को देखा और वो कहती हैं कि जैसा मैंने उन्हें पहली बार देखा था जब उनकी मदर ने उसे इंट्रोड्यूस कराया था वो वैसी ही लग रही थी। और वो कहती हैं कि जिस दिन उनकी मदर ने उन्हें मिसेस डॉलिंग के बारे में बताया था कि वो बहुत अच्छी है, वो उनका सामान ले जाती है, उसके नेक्स्ट डे ही मिसेस डॉलिंग फिर से उनके घर आई और उसी दिन फर्स्ट टाइम नरेटर ने उन्हें देखा था। I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. तो राइटर कहती है कि उस दिन वो लेट उठी थी और जब वो सीढ़ियां उतर के नीचे आ रही थी तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी मदर किसी को बाय कर रही थी, कोई उनके घर में विजिटर था जो कि बाहर जा रहा था और उनकी मदर उन्हें गुड बाय कर रही थी। अबाउट टू सी समवन आउट मीन्स कोई उनके घर से जा रहा था, उनकी मदर उन्हें सी ऑफ कर रही थी। और फिर वो कहती है कि वो जो वुमन थी उसकी जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो बहुत ब्रॉड था। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर, शी बेकॉन्ड टू मी। बेकॉन्ड मीन्स किसी को इशारा करके बुलाना। तो जब उनकी मदर किसी विजिटर को बाय बाय कर रही थी तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी सीढ़ियों से नीचे आ रही है, उन्होंने उसे बुलाया और उस लेडी को कहा कि ये मेरी डॉटर है, उससे उसको इंट्रोड्यूस करवाया। The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. तो वो जो वुमन थी, वो जो विजिटर थी, मिसेस डॉलिंग, उसने उनकी बेटी से कोई बातचीत नहीं की, सिर्फ अपना सिर हिलाया और क्लोज रैक के नीचे जो बड़ा सा सूटकेस पड़ा हुआ था उसे उठाया। और फिर वो लड़की कहती है कि उस लेडी ने एक ब्राउन कलर का कोट पहना था और शेपलेस सी हैट पहनी हुई थी। Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. तो अब राइटर कहती है कि वो लेडी बेचारी इतना भारी सा सूटकेस उठाकर घर से जा रही थी तो उन्होंने अपनी मदर से पूछा कि क्या ये बहुत दूर रहती है। In Marconi Street, said my mother, number 46, remember that. तो फिर मिसेज एस ने अपनी डॉटर को कहा कि ये लेडी मार्कोनी स्ट्रीट में हाउस नंबर 46 में रहती है और उन्होंने उसे कहा कि इस एड्रेस को याद रखना। आई हैड रिमेम्बर्ड इट बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। फिर राइटर कहती है कि मैंने एड्रेस तो याद रखा लेकिन मैं बहुत देर तक वेट करती रही। किस चीज का वेट करती रही? कि शायद वो लेडी भी उन्हें कॉन्टेक्ट करेगी। लेकिन जब बहुत देर हो गई तो फिर उसने सोचा कि मैं जाती हूँ उस घर पर और जाकर देखती हूँ कि हमारा सामान कहाँ पर है। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट। नाउ लिबरेशन इज द वॉर, हॉलैंड की वॉर फॉर फ्रीडम। तो राइटर कहती है कि जब वॉर खत्म हो गई उसके बाद शुरुआत में तो वो उस सारे सामान को लेना ही नहीं चाहती थी, उसे लेने में इंटरेस्टेड नहीं थी और वो कहती है मैं तो उससे डर भी रही थी। क्यों डर रही थी? अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. Confronted means to come face to face with someone or something. In vain means something which gives no results. And endured means to last a long time. या फिर to remain forever. तो राइटर को ये डर था कि वो एक बार फिर से उन्हीं सब चीजों को देखेंगी जिससे उन्हें एक ऐसे कनेक्शन की, एक ऐसे रिलेशनशिप की याद आएगी जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कनेक्शन था उस घर के साथ, उन सब लोगों के साथ जिनके साथ वो लिबरेशन वाली वॉर से पहले रहती थी। हो सकता है अब उनकी मदर इस दुनिया में नहीं है, हो सकता है अब वो उस घर में नहीं रहते जहाँ पर वो सारा सामान यूज करते थे। तो वो सब चीजें देख के लेकिन उनको वो सब चीजों की याद आएगी, वो जगहों की याद आएगी, उन लोगों की याद आएगी और इसलिए वो उन सब यादों से डर रही थी। फिर वो कहती हैं अभी तो ये चीजें
अलमारियों में, डब्बों में बंद पड़ी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं कि उन्हें वापस से उन्हीं जगहों पे सजाया जाएगा जहां पर पहले उन्हें सजाया गया था। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ऐसा कोई रिजल्ट उन्हें मिलेगा ही नहीं। लेकिन जैसे कि ये चीजें थी, ये आर्टिकल्स हैं, ये अभी तक वैसे ही पड़ी हुई हैं, अच्छी भली कंडीशन में है, जबकि इतने साल बीत चुके हैं, ये चीजें अभी भी ठीक ठाक पड़ी हैं। इन्होंने इतने साल तक ठीक रही हैं क्योंकि ये सिर्फ चीजें हैं, बाकी जो लोग हैं, घर है, वो तो कब का खत्म हो चुका। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लिटिल लाइटर कलर, देर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे। ग्लैंसिंग मीन्स लुकिंग एट। तो लिबरेशन की वॉर के बाद धीरे धीरे लाइफ वापस से नॉर्मल हो रही थी। अब उनकी जो उनको जो ब्रेड या खाने की चीजें मिलती थी, उनका कलर भी लाइट हो गया था पहले से। ब्रेड का कलर लाइट होने से क्या मतलब है? जो ब्राउन ब्रेड होती है उसे इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो वीट के हस्क से बनी होती है, जो मोटी वीट का जो छिलका होता है, जिसे जनरली यूज नहीं किया जाता। तो अब जब उन्हें ब्रेड लाइटर कलर की मिलने लग गई थी, यानी कि अच्छे फ्लावर की बनी हुई थी, तो वो ब्रेड मिलने का मतलब है कि अब उनकी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो बेटर हो रही थी, उन लोगों को खाने के लिए बेहतर चीजें मिल रही थी। फिर वो कहती हैं कि जिस बेड में हम सोते थे उसमें भी अब हमें डर नहीं लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली जब वॉर का टाइम था तब आपको हर वक्त डर लगता है, इनसिक्योर फील होता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी अटैक हो सकता है। लेकिन वो कहती हैं कि अब हम बेड में बिना किसी डर के आराम से सो सकते थे। और अब वो जिस कमरे में भी रहती थी, वहां से जो बाहर का नजारा था वो भी देखने में उन्हें बहुत अच्छा लगता था, और अब उसे बाहर देख देख कर उन्हें आदत भी पड़ गई थी, क्योंकि वो बहुत देर से वहां पर रह रही थी। तो अब उनकी लाइफ थोड़ी नॉर्मल सी हो गई थी, इसीलिए अब एक बार फिर से उन्हें वही चीजें दोबारा से याद आ रही थी। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच, रिमेम्बर। तो अब जब फिर से एक बार वॉर के बाद उनकी लाइफ नॉर्मल हो गई थी, कंफर्टेबल हो गई थी, तो फिर से उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागी, ईगरनेस जागी। वो एक बार फिर से उन सब चीजों को, अपनी पुरानी पोजेशंस को देखना चाहती थी, इसीलिए वो उस एड्रेस पर जाना चाहती थी, नंबर 46। वो उन चीजों को देखना चाहती थी, छूना चाहती थी और अपने पुराने टाइम्स को याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉलिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम। तो अब जब पहली विजिट वेन में चली गई, यानी कि विदाउट रिजल्ट, तो राइटर ने एक बार फिर से सोचा कि वो एक बार फिर से जाकर कोशिश करेगी। जब वो दूसरी टाइम गई तो दरवाजा खोला एक ऑलमोस्ट 15 साल की लड़की ने। उससे राइटर ने पूछा कि क्या उसकी मदर घर पर है। नो शी सेड माई मदर इज डूइंग एन एरेंड। एरेंड मीन्स डूइंग एनी जॉब और डूइंग एनी कोर और डूइंग एनी टास्क। वो कोई काम कर रही थी। तो राइटर ने कहा नो मैटर, आई विल वेट फॉर हर। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। एन ओल्ड फैशन आयरन हैनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। हैनुका इज द फीस्ट ऑफ लाइट्स, अ हिब्रू फेस्टिवल इन दिसंबर। तो जब राइटर उस लड़की के पीछे पीछे घर में गई, तो एक पैसेज सा था जो उन्होंने क्रॉस किया, और वहां पे उन्होंने देखा कि मिरर के साथ एक ओल्ड फैशन आयरन का बना हुआ हैनुका टंग रहा था, जो कि एक कैंडल होल्डर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह का कैंडल होल्डर ये हनुका फेस्टिवल में यूज होता है। हनुका फेस्टिवल क्या होता है? द फीस्ट ऑफ लाइट्स। ये हिब्रू रिलीजन में एक फेस्टिवल होता है जो दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, और तब उस फेस्टिवल में इस तरह के कैंडल होल्डर्स यूज होते हैं।
वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच कम्बसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक. कम्बसम मीन्स समथिंग विच इज लार्ज एंड हैवी एंड देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू यूज. अब यहाँ पर भी आप देख ही सकते हैं ये जो कैंडल स्टैंड है कितना बड़ा है, तो ऑब्वियसली हैवी भी होगा. इसलिए राइटर कहती है कि हम कभी भी इस कैंडल स्टैंड को यूज नहीं करते थे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और भारी था, इसलिए हम सिंगल कैंडल स्टिक प्रेफर करते थे यूज करना. तो ये जो कैंडल स्टैंड है हनुका, ये भी उन्हीं का है. ये लेडी उनके घर से एक कैंडल स्टैंड भी लेकर आई थी. वोंट यू सिट डाउन, आस्क द गर्ल. शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इन साइड पास्ट हर. आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड. हॉरिफाइड मीन्स शॉक्ड. अब जैसे ही उस लड़की ने लिविंग रूम का दरवाजा खोला और उन्हें कहा कि आप अंदर जाके बैठिए, राइटर जैसे ही उस कमरे में घुसी वो शॉक्ड थी. आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच अप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफेयर. इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स मीन्स इन द मिडल ऑफ थिंग्स, किसी चीज के बीच में. एंड अप्रेस्ड मीन्स सब्जेक्ट टू हार्श एंड अथॉरिटेरियन ट्रीटमेंट. अगर कोई आपके साथ ऐसा बिहेवियर करता है जो बहुत हार्श है और वो आपके ऊपर अथॉरिटी जमा रहा है, तो आप अप्रेस हो रहे हैं. तो ब्राइटर कहती है कि मैं इस ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती भी थी और जिसे मैं नहीं जानती थी. जानती इसलिए थी क्योंकि उसमें जो चीजें थी वो उन्हीं की चीजें थी जिनको वो जानती थी. नहीं जानती थी क्योंकि ये रूम किसी और का घर का रूम था जहां पर वो पहली बार गई थी. फिर वो कहती है कि एक बहुत ही अजीब सा एटमॉस्फेयर था उस कमरे का और मैं ऐसी चीजों के बीच में घिर गई थी जिन्हें मैं दोबारा देखना चाहती थी, लेकिन उन्हें देखकर राइटर को बहुत अप्रेस्ड फील हो रहा था. क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें एक ऐसी जगह पर थी जो कि स्ट्रेंज थी, जो कि अनजान थी. तो इसलिए राइटर को कंफर्टेबल नहीं फील होता जब वो उनकी ही पुरानी चीजें किसी और अलग जगह पर पड़ी हुई थी. ये देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगता. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, आई डोंट नो बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी. अब उन्हें कंफर्टेबल क्यों नहीं फील हो रहा था? वो कहते हैं हो सकता है जब सारा सामान है वो बहुत ही टेस्टलेस वे में अरेंज किया हुआ था, अच्छे से नहीं सजाया हुआ था, या हो सकता है जो फर्नीचर था उस कमरे में वो बहुत ही गंदा था, अगली था, फटा पुराना था, या हो सकता है उस कमरे में एक मगी स्मेल थी, यानी कि डैम्पनेस की, स्टेलनेस की स्मेल थी उसकी वजह से. लेकिन वो कहती हैं कि मेरे में तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आसपास आंख उठाकर सारी चीजों को देखूं, क्योंकि जिस तरह से उस कमरे में वो सामान लगा हुआ था उन्हें वो अच्छा नहीं लगा. द गर्ल मूव्ड अ चेयर. आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ. आई रब्ड इट. माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग. अब उस लड़की ने उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दे दी, वो बैठ गई और जो टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ बिछा हुआ था वो भी उनकी मदर का ही था. तो ये लेडी उनके घर से लिटरली सारा सामान ही उठाकर ले आई थी. तो कहती है कि मैंने उस वुलन यानी कि वुलन क्लॉथ के बने हुए टेबल क्लॉथ को देखा और मैंने जैसे ही उसे छुआ मेरी उंगलियां वार्म हो गई क्योंकि वो वुल का बना हुआ था. आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. तो अब जैसे कि वो टेबल क्लॉथ उनका पुराना टेबल क्लॉथ था, तो राइटर को याद था कि एक बारी वो जल गया था और उस पे जो जलने का निशान था उसे रिपेयर नहीं किया गया था. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पैटर्न बना हुआ था उसकी जो लाइन्स थी उनके ऊपर अपना हाथ फेरा जब तक कि वो इस निशान तक पहुंच गई और उन्हें कंफर्म हो गया कि ये वही टेबल क्लॉथ है जो उनकी मदर के पास हुआ करता था. माई मदर विल बी बैक सून, सेड द गर्ल. तो लड़की ने कहा कि उसकी मदर जल्द ही वापस आ जाएगी. आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप, थैंक यू. तो उस लड़की ने राइटर को चाय ऑफर की. I looked up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad bag just like her mother.
तो जब राइटर ने उस लड़की की तरफ देखा, उसकी पीठ थी उनकी तरफ, तो उन्होंने नोटिस किया कि अपनी मदर की तरह उसकी भी बैक बहुत ब्रॉड थी, तो उसकी बॉडी का भी लोअर पोर्शन बहुत चौड़ा था। शी पोर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, आई रिमेम्बर्ड। तो अब ये लड़की जिस टी पॉट से टी पोर कर रही है कप्स में, ये भी उस लड़की की, राइटर की मदर मिसेज एस का ही है। और फिर वो कहती है कि ये व्हाइट कलर का टी पॉट था और उसके ऊपर गोल्ड कलर का बॉर्डर था। शी ओपन्ड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। फिर उस लड़की ने एक डिब्बा खोला, उसमें से कुछ चम्मच निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। तो अब राइटर ने उस बॉक्स को भी अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि डब्बा बहुत अच्छा है। और फिर वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो उनकी आवाज़ नहीं है, कोई और बोल रहा है। तो वो बेचारी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि वो अपने सारी चीज़ों को किसी और के घर में सजा हुआ देख रही थी, जिससे उसे बहुत मेंटल ट्रॉमा हो रहा था, उसे परेशानी फील हो रही थी, वो अनईजी थी। ओह यू नो अबाउट देम, शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, शी लाफ्ड। तो वो लड़की कहती है कि अच्छा आप इन्हें जानते हो क्या, मीन्स डू यू नो दीज थिंग्स, आप इन कटलरी को, इन टी कप्स को जानते हो। फिर वो कहती है माई मदर सेज इट्स एंटीक, वी हैव गॉट लॉट्स मोर, शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ। तो कहती है कि मेरी मदर कहती हैं कि ये सब चीज़ें एंटीक हैं। और फिर वो कहती है कि हमारे पास बहुत सारी एंटीक चीज़ें हैं। और फिर उसने राइटर को इशारा किया कि देखो कमरे में कितनी सारी ऐसी चीज़ें सजी हुई हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। फैंसीड मीन्स टू वॉन्ट और टू डिजायर फॉर समथिंग, एंड प्यूटर इज अ ग्रे कलर्ड एलॉय मेड ऑफ टिन, कॉपर एंड एंटीमोनी। तो प्यूटर एक एलॉय होता है जिसका रंग ग्रे होता है, और ये अलॉय टिन, कॉपर और एंटीमोनी का बना होता है। तो राइटर कहती है कि जब वो लड़की उन्हें बता रही थी कि देखो देखो कमरे में कितनी सारी एंटीक चीजें सजी हुई हैं, उन्हें उसका इशारा देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था वो किन किन चीजों पर इशारा कर रही है, वही सब चीजें जो उनकी मदर से मिसेस डॉलिंग लेकर आई हुई थी। फिर वो कहती है कि टी टेबल के ऊपर जो स्टिल लाइफ पेंटिंग सजी हुई थी वो उसको देख रही थी, क्योंकि वो पेंटिंग भी उनकी मदर की ही थी। और वो कहती है कि जब वो छोटी थी तो उन्हें ये जो एप्पल्स थे जो पेंट किए हुए थे प्यूटर प्लेट के ऊपर, ये बहुत अच्छे लगते थे, और उनका ऐसे दिल करता था कि वो ये एप्पल्स उठा लें। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड, once we even ate off the plates hanging there on the wall, I wanted to so much, but it wasn't anything special. तो अब वो लड़की कहती है कि हम ये जो चीजें सजी हुई हैं इन्हें यूज भी करते हैं, और एक बार जो वॉल पे प्लेट्स हैंग हो रही हैं उनमें हमने खाना भी खाया था। फिर वो कहती है कि मैं ऐसा करना चाहती थी, लेकिन खाना खाने के बाद मुझे कुछ स्पेशल फील नहीं हुआ। I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. तो अब जब राइटर उस टेबल क्लॉथ को फील कर रही थी तो फाइनली उन्हें वो बर्न वाला निशान मिल गया। तो लड़की उन्हें देख रही थी और वो बहुत ही इंक्विजिटिव थी कि राइटर ने ऐसे उस पे हाथ फेरा और उसे वो बर्न मार्क मिल गया तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि उस लड़की को भी समझ आ रहा था कि हो सकता है वो राइटर को पहले से ही पता था कि इस टेबल क्लॉथ पे ऐसा कोई निशान है जिसे कि वो हाथ घुमाकर ढूंढ रही थी। यस आई सेड, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। तो राइटर कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, तुम्हें इतनी आदत पड़ जाती है कि तुम्हारे घर में इतनी प्यारी प्यारी चीजें सजी हुई हैं कि तुम उनके बारे में भूल जाते हो, तुम उन्हें नोटिस नहीं करते, तुम उन्हें इम्पोर्टेंस देना छोड़ देते हो। You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. फिर वो कहती है लेकिन जब कोई चीज मिसिंग होती है तब तुम्हें पता चल जाता है, तब तुम नोटिस कर लेते हो। चीज कोई मिसिंग क्यों होती है, क्योंकि हो सकता है कभी तुम्हें उसे रिपेयर में देना पड़ता है या फिर
तुम किसी को दे देते हो, कोई को तुमसे बोरो करके कोई चीजें ले जाता है और उसके बाद तुम नोटिस करते हो कि कुछ मिसिंग है। तो अब राइटर अपनी फीलिंग्स उस लड़की को बता रही है। वो उसे कहती है कि जब उनके घर में इतना सारा सामान सजा हुआ था तो उसे उस सब चीजों की आदत पड़ गई थी, इसलिए वो उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। लेकिन जब वो कुछ चीजें मिसिंग थी, उसने तब ये चीज नोटिस की कि कुछ चीजें मिसिंग हैं, और उसने अपनी मदर से पूछा जब उसे पता लगा कि उसने वो सामान किसी और को दे दिया है। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। आई रिमेम्बर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। अब राइटर कहती हैं कि एक बार फिर से उन्होंने अपनी आवाज की अननेचुरल साउंड सुनी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि राइटर कॉन्शियसली नहीं बोल रही, उसकी अंदर से आवाज निकल रही है, और वो भी हैरान है कि वो पता नहीं क्या क्या कुछ बोल रही है। उसने प्लान नहीं किया, वो कुछ बोलना नहीं चाहती, उसके अंदर से ही बातें निकल रही हैं। और वो क्या बात बोलती है? वो कहती है कि मुझे याद है एक बार ही मेरी मदर ने मुझे कहा कि क्या मैं उनकी मदद करूंगी सिल्वर को पॉलिश करने के लिए। अब ये क्या सिल्वर है जिसे पॉलिश करना है? वो कहती हैं, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल एंड एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर। तो फिर वो फर्दर कहती है कि बहुत पुरानी बात है, हो सकता है मैं उस दिन बोर हो रही होंगी, मेरे पास कोई काम नहीं था, या हो सकता है मैं बीमार होंगी इसलिए मैं घर पर थी, क्योंकि उस दिन से पहले कभी भी उनकी मदर ने उन्हें मदद करने के लिए नहीं कहा था, और ये नहीं कहा था कि तुम मेरी मदद करवाओ सिल्वर को पॉलिश करने के लिए। तो उस दिन जब उनकी मदर ने उन्हें कहा कि मेरी मदद करो सिल्वर पॉलिश करने में, तब राइटर कहती हैं, आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज दैट इट वॉज द स्पून्स फोक्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग। I didn't know the cutlery we ate off every day was silver. अब जब राइटर ने अपनी मदर से पूछा कि किस सिल्वर को पॉलिश करना है, किस चीज की बात कर रहे हो आप, तब उसकी मदर ने कहा कि ऑब्वियसली जो चम्मच फोक और नाइव्स हैं जिनके साथ हम खाते हैं उन्हें पॉलिश करना है। और राइटर कहती है कि बहुत अजीब बात है, उस दिन मुझे पता चला कि हम जिन कटलरी को हर रोज यूज करते हैं खाने के लिए वो सब सिल्वर यानी कि चांदी की बनी हुई है, यानी कि बहुत प्रेशियस हैं। तो जब उन्हें ये चीज पता चली वो बहुत ज्यादा हैरान थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन। तो उनकी ये बात सुन के लड़की हंसने लग गई, मिसेस डॉलिंग की बेटी हंसने लग गई। आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर, आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। इंटेंटली मीन्स केयरफुली। तो राइटर ने बड़े ध्यान से उस लड़की की तरफ देखा और कहा कि मैं बेट कर सकती हूँ, आई एम श्योर कि तुम्हें भी नहीं पता कि ये जो कटलरी है ये सिल्वर की बनी हुई है। व्हाट वी ईट विद शी आस्क्ड। तो उस लड़की ने पूछा कि जिससे हम खाना खाते हैं वो। और राइटर ने उससे पूछा, वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो कि वो सिल्वर की बनी हुई है। शी हेजिटेटेड। हेजिटेटेड मीन्स टू बी रिलक्टेंट। अगर हम कोई चीज के लिए कंफर्म नहीं होते हम हेजिटेट करते हैं क्योंकि हमसे सोचना पड़ता है। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर। आई लुक इट्स इन हियर। तो अब वो लड़की एक साइड बोर्ड की तरफ गई। साइड बोर्ड क्या होता है? आपके डाइनिंग रूम में ही एक सर्विस टेबल लगा होता है जिसके ऊपर एक शेल्फ होती है और नीचे ड्रॉर्स होते हैं जिसमें अलग अलग सामान रखा होता है। तो लड़की उस साइड बोर्ड की तरफ गई जिसके ड्रॉर में कटलरी रखी हुई थी और वो एक ड्रॉर खोलना चाहती थी और कहती है कि मैं देखती हूँ ये सब जो कटलरी है जिससे हम खाना खाते हैं यहाँ पर पड़ी हुई है। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। तो जैसे ही वो लड़की उस साइड बोर्ड की तरफ गई राइटर एकदम से छलांग मारकर खड़ी हो गई। वो कहती है कि उन्हें एकदम से याद आ गया कि उनकी ट्रेन का टाइम हो रहा था, लेकिन हो सकता है वो उन सब चीजों को उन कटलरी को देखना नहीं चाहती थी इसलिए वो खड़ी हो गई और वहां से चल पड़ी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। तो उस लड़की का एक हाथ ड्रॉर पर था, वो ड्रॉर खोलने ही वाली थी और उसने राइटर को कहा कि क्या तुम मेरी मदर से नहीं मिलना चाहती। नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर।
द गर्ल पुल्ड द ड्रॉअर ओपन आई कैन फाइंड माई ओन वे तो राइटर ने कहा कि नहीं अब मुझे जाना है वो दरवाजे की तरफ गई लड़की ड्रॉअर खोल रही थी वो कटलरी निकालने के लिए लेकिन राइटर ने कहा कि नहीं मैं अपना रास्ता खुद से ढूंढ लूंगी और वो उनके घर से बाहर चली गई एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स तो जब उस लड़की ने कटलरी ड्रॉअर खोला तो अंदर जो चम्मच फॉक्स पड़े हुए थे वो हिले और उनकी जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस हुई तो जब राइटर पैसेज में से बाहर जा रही थी उन्हें ये आवाज भी सुनाई दी जैसे कि मान लो वो चम्मच और फोक्स उन्हें बुला रही हों, लेकिन उन्होंने इसको भी इग्नोर किया और वो बाहर जाती रही एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46 तो अब एक बार फिर से जब राइटर घर से बाहर निकल गई और वो रोड क्रॉस कर रही थी तो कॉर्नर पे उन्होंने उस स्ट्रीट का जो नेम प्लेट था वो देखा उस पर लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट और वो कहती हैं कि वो 46 नंबर हाउस में ही गई थी तो वो कंफर्म कर रही हैं कि वो मिसेस डॉलिंग के ही घर गई थी द एड्रेस वॉज करेक्ट बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेम्बर इट एनी मोर तो कहती है कि द एड्रेस वॉज करेक्ट मीन्स वही एड्रेस था जो उनकी मदर ने उन्हें बताया था मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 लेकिन वो अब इस एड्रेस को याद नहीं करना चाहती थी आई वुडन गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन सेवर्ड फ्रॉम देम यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स सेवर्ड मीन्स सेपरेटेड अलग हो जाना अब राइटर उस एड्रेस को याद क्यों नहीं रखना चाहती थी वो कहती है कि अब मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती थी क्यों वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो चीजें थी वो उनकी मेमोरी से जुड़ी हुई थी और उन्हें एक पुराने टाइम की पुरानी यादों की जो उनकी फेमिलियर यादें थी उनके बारे में याद दिला रही थी लेकिन अब उन चीजों में कोई वैल्यू नहीं थी क्यों क्योंकि अब उन चीजों को उन पुरानी जगहों से अलग कर दिया गया था और किसी अलग जगह पर रख दिया गया था वो जगह उनके लिए स्ट्रेंज थी नई थी अजीब थी इसीलिए अब वो जो चीजें हैं वो उनकी पुरानी मेमोरी से उन्हें जोड़ नहीं पा रही थी क्योंकि अब वो किसी नई जगह पर पड़ी हुई थी तो अब वो उस जगह का हिस्सा बन गई थी और इसलिए राइटर की मेमोरी से कट हो चुकी थी और इसलिए वो अब फिर से उन्हें नहीं देखना चाहती थी एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैकआउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉअर श्रेड्स मीन्स छोटे छोटे टुकड़े और राइटर कहती है कि वैसे भी उन्हें वो सब चीजें चाहिए नहीं थी उनका क्या करती क्योंकि अब वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी जहां पर खिड़की के ऊपर ऐसे छोटे छोटे काले रंग के पेपर के टुकड़े लगे हुए थे और जो ड्रॉअर था जिसमें वो कटलरी रखती थी वो बहुत छोटा था उसमें सिर्फ थोड़े से स्पून्स और फोक्स ही फिट आते थे तो वो कहती है कि अगर वो सारा अपना सामान मिसेस डॉलिंग से वापस ले भी जाएंगी तो उसका क्या करेंगी उसे कहाँ सजाएंगी कहाँ रखेंगी क्योंकि अब वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहती हैं। तो ऐसा सोच के उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो उस चीजों के बारे में नहीं सोचेंगी और ना ही वहां वापस जाएंगी आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द इजिएस्ट रिजॉल्व मीन्स डिसाइडेड तो उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो इस एड्रेस को भूल जाएंगी और वो कहती हैं कि और जो चीजें थी भूलने के लिए उनमें से सबसे ज्यादा आसान था इस एड्रेस को भूलना और ये भूलना कि मिसेस डॉलिंग नाम की कोई लेडी थी जो कि उनकी मदर से उनका सारा सामान ले गई थी एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टचिंग स्टोरी द एड्रेस जहां पर एक लड़की अपनी मदर की सारी पुरानी चीजों को देखने के लिए मिसेस डॉलिंग के घर जाती है ऐसी लेडी जो उनका सारा सामान लेकर चली जाती है और अपने घर में सजा लेती है और कैसे वो अपनी पुरानी यादों से अपने आप को अलग करती है और डिसाइड करती है कि अब वो वापस से उस एड्रेस पर नहीं जाएगी उसे भूल जाएगी सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू लाइक्ड इट इफ यू लाइक्ड इट डू हिट द लाइक बटन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फॉर मोर वीडियोस डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल द इंग्लिश अकेडमी